Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, घोसी में जो है समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव जीत गई थी और घोसी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो थे वो चुनाव जीत गए, लेकिन सरकार तो नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अब वो महाशय अखिलेश यादव के पार्टी के विधायक के तौर पर इस्तीफा जो देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वहां पर उपचुनाव होने वाला है। जी हाँ, बात करें तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, डेट भी आ गया है और तमाम तरीके की चर्चाएं जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर गुजने लगी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सैनी जी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो अखिलेश यादव जो है अपने पुराने कैंडिडेट यानी कि सुधाकर सिंह पर जो है वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट बनाकर खड़ा किया है। लेकिन आपको पता होगा कि मऊ घोसी जो क्षेत्रीय जो उधर क्षेत्र है पूर्वांचल के, वहां पर अंसारी परिवार का दबदबा रहता है। वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा तादाद में है। मैंने आपको कल बताया था कि वहां पर जो भी बीएसपी से खड़ा हुआ है, जो भी लाइक सपा से खड़ा हुआ है, उनको अच्छे तादाद में वोट मिले हैं। यहां तक इनफैक्ट मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी भी वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं और वहां पर वो दूसरे नंबर पर महज कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए थे। अब जब सुभाषपा एनडीए का हिस्सा हो गई है, सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी हैं, उनको मानने के लिए सुभाषपा तैयार नहीं है, तो अब जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किधर जाएंगे, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। और अगर मुस्लिम वोटर्स, यादव वोटर्स, दलित का कुछ जो वोट्स हैं वो अगर समाजवादी पार्टी को अच्छे से मिलते हैं तो वहां पर चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए आसान हो जाता है। लेकिन इसमें मुख्तार अंसारी यानी कि अंसारी परिवार का भी अहम रोल होने वाला है, क्योंकि अगर अंसारी परिवार का अहम रोल नहीं रहा तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, मतलब समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का जो अलायंस था, और वहां पर अब्बास अंसारी भी सैनी साहब के लिए वोट जो है वो मांगते नजर आए थे। हालांकि अब अब्बास अंसारी जेल में है, इसका भी फायदा बीजेपी उठा सकती है। तो देखना ये होगा कि भाई क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अंसारी परिवार सच में ओम प्रकाश राज पर यानी कि एनडीए का तिकड़ी बिगाड़ सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में।